प्रतिक्रिया से आग हो जाती है। इनका जब घर्षण होता है तो आग लग जाती है। अब आप कहोगे कि साहब यहां पे तो तीनों चीजें हैं, आग क्यों लग रही है? लेकिन ये अलग अलग अवस्था में, एक उधर रखा गया, एक वहां रखा गया, लेकिन ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। घर्षण होगा तो आग उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको ये जगह जगह भी पूछा जाता है। अब आग कितने प्रकार की होती है, दूसरा क्वेश्चन आता है आग कितने प्रकार की होती है। आग मुख्यतः पांच प्रकार की होती है, कोई चार बोलता है, कोई पांच बोलता है, दोनों राइट। अब ए क्लास में सॉलिड फायर, जो जलने के बाद अवशेष छोड़ दे, उसे बोलते हैं सॉलिड फायर, यानी कि साधारण आग। बी लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है तेलीय, तेल यानी कि जो भी द्रव है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब बी में आता है। सी गैस, अब गैस में एलपीजी, एथेन, मीथेन, ये सारी चीजें आती हैं। डी, डी में क्या है? मेटल। मेटल क्या? तांबा, सोना, चांदी, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में ये आग लगती है। अब उसके बाद ई इलेक्ट्रिक, ये वर्गीकृत तो किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो आग है वो अपना रूप पर नहीं रहती, वो जब तक उस पर करंट है तब तक वो सी पे रहती है, जब करंट खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सॉलिड फायर में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इनको चीज चल रहा होता है तो आपको ये पता होना चाहिए उसका कोई रूप नहीं है, वो अपने उसमें रहता नहीं है, लेकिन वो वर्गीकृत किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है और डी में कौन सा है। ई में जो है वो सी और ए पे रहता है, ठीक है। अब फिर चलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ऑर्गेनाइजेशन में, अभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाता है, जिसका नाम है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। क्या नाम है? एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप ए में भी, बी में भी, सी में भी, मैंने बोला था ना ई, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी जब तक इलेक्ट्रिक है तो अब उसके लिए एक दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, उसका नाम है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। यदि हमारे पास वह फायर एक्सटिंग्विशर है तो वह उसके लिए इंपोर्टेंट करना है, बिजली के लिए, लेकिन नहीं है तो आप उसको भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि हमारे पास CO2 रखा गया है तो तेल के आग और सी मतलब गैस की आग, और सी में मैंने बोला था आपको बिजली भी आती है, तो आपको उन आग पर उसको यूज करना, वो जब आपके पास रखा गया है। तो अब हम यूज करने का तरीका क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका क्या है? पास मेथड, पास पी मतलब पुल इन द सेफ्टी पिन, ए इन द बेस ऑफ फायर एंड स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड, इस तरह से यूज करना है। मतलब पुल, पुल करो, एम टारगेट, एस स्क्विच और स्विप, बस ये पास का मतलब, चार शब्द हैं पास, पता होना चाहिए आपको सबको, ठीक है। अब आग बुझाने के भी तीन मेथड, इधर हम कंफ्यूज हैं, आग बुझाने के तीन मेथड क्या है, तीन मेथड क्या है? पहला मेथड है क्या? कूलिंग मेथड। क्या है? कूलिंग मेथड मतलब पानी से ठंडा करना, कूलिंग मेथड। यदि वह ठोस प्रकार की आग है तो हम क्या करेंगे? पानी डाल देंगे, साधारण लगाएंगे। अब उनका कैसे मारेंगे? जलने वाले पदार्थ, जैसे मान लिया जाए कहीं आग लगी है तो वहां पे हो सके तो जो जल रहा है उसको उठा दो, संभव है, संभव नहीं है तो उसके अगल बगल में जो भी सामान है उसको हटा। आपने देखा होगा यदि खेत में आग लग जाती है तो हम क्या चला देते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। आप लोग देहात से होंगे तो, गांव से हैं तो वो लोग जो है ट्रैक्टर फटाफट, क्योंकि मिट्टी जो है और उधर बन जाती है उसमें, तो वो स्टारवेशन मेथड है। और उसके बाद है तीसरा मेथड है स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? दम घुटना। दम कैसे घुटेंगे आपका? आपको पता है यदि आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर आग लगे तो आप क्या करेंगे? कोई गीला
कंबल या जूट का बोरा गीला करना है और उसके ऊपर लपेट देना, यानी कि आपने उससे ऑक्सीजन का कट कर। तो ये तीन प्रकार के मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ये तीन प्रकार के मेथड भी इसमें कंफ्यूज होता है कि फायर स्टिंग से यूज करने का मेथड और आग बुझाने के मेथड में आप कंफ्यूज नहीं। ये तीन प्रकार के मेथड आपको पता। तो आप पहला आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार का होता है, फायर स्टिंग से यूज करने का मेथड क्या है और आग बुझाने के मेथड